हेलो फ्रेंड, मैं मोनिका। आज मैं लाई हूँ हम सब की फेवरेट मिठाई बालूशाही। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बालूशाही, जो कि दिवाली में हम एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। और ये दिवाली में हर घर में बनाई जाती है, इसे बनाना बहुत आसान है। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में 2 कप इस कप के नाप की मैदा ले ली है। हमें सभी चीज़ों का मेजरमेंट जो है कप से लेना है। मैंने 2 कप मैदा ली है और उसे हम एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। 1/4 कप देसी घी, 2 कप में हमें 1/4 कप देसी घी का ही मौन देना है। अब इसमें मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा नहीं। और 3 बड़े चम्मच दही। दही डालने से बालूशाही का जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और उसमें एक अच्छा सा खमीर बन जाता है। अब हमें इस आटे को जस्ट बाइंड करना है, इसे हमें मसल मसल कर नहीं गूंथना है। बालूशाही के आटे को जब भी आप गूंथे तो बस इसे हमें इकट्ठा करके रख देना है, ना कि इसे मसलना है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें सक दो तैयार कर लेंगे। एक साथ हमें सारा पानी नहीं डालना है, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसका एक सक दो बना के तैयार कर लेंगे। जो लोग दही खाना पसंद नहीं करते वो उसमें सिर्फ पानी ऐड करके आटा बाइंड कर ले। मैंने इस तरह से आटे को एकदम से मैदा का जो डो है देखिए इकट्ठा किया, हमें एकदम भी इसे मसलना नहीं है। अब हम इसे रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे। जब तक हमारा आटा हमने 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ा है तब तक हम चाशनी बनाएंगे। मैंने इसी कप के नाप की 2 कप चीनी ले ली थी और उसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, यानी कि 2 कप चीनी में 1 कप पानी, और इसकी हम चाशनी बनाएंगे। तेज आँच पे हम इसे चीनी को मेल्ट होने देंगे। इसमें मैं डालूंगी 15 से 20 केसर के धागे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चाशनी में और कलर भी थोड़ा सा आता है बालूशाही में, तो बालूशाही देखने में सुंदर लगती है। और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए, आप इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इस तरह से हम हाथों में इसे चिपचिपा सा जब बन जाएगा उसी तरह की हमें इसके लिए चाशनी तैयार करनी है। 1 तार की या 1.5 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी, इसे हम ढक के साइड कर देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड। अब डो को हम एक बार थोड़ा सा फिर से सेट कर लेते हैं और इसमें मैं एक प्लेट भी लूंगी और इसे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा तोड़ के एक के ऊपर एक लोइया रखते जाएंगे ताकि बालूशाही अच्छी बने। जब भी आप बालूशाही बनाए तो इस तरह से इसे एक के ऊपर लेयर, जितनी ज़्यादा आप लेयर कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। मैं इसे 1 से 2 बार इस तरह से कर दूंगी। और इसे हमें देखिए इस तरह से हम लेयर बन गई। अब इसे हम एक बार फिर 20 से कट करके दोबारा से इसी तरह लेयर बना देंगे। मैं इसे 2 पार्ट में काट लेती हूँ, इस तरह से पुश कर देंगे और फिर इसी तरह से एक के ऊपर एक रख देंगे। और बालूशाही बनाना बहुत आसान है, ये बहुत जल्दी बन के तैयार भी होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इस तरह से इसे 2 से 3 बार कर ले। अब हम बालूशाही बना के तैयार करेंगे। आपको जितनी बड़ी बालूशाही पसंद हो उतना छोटा सा आप लोई ले लें और इसे हमें सिर्फ फोल्ड करना है और बीच में हमें एक हॉल देना है अंगूठे से। इस तरह से हम इसे दोनों साइड से थोड़ा सा इस तरह से हॉल कर देंगे। इसी तरह से हम सभी बालूशाही बनाएंगे, हाथों पे लोई लेंगे, उसे हल्के से इस तरह से गोल कर लेंगे और बीच में हमें अंगूठे की सहायता से इसमें एक हॉल कर देना है। सभी बालूशाही हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। मैंने सभी बालूशाही को बना के प्लेट में रख लिया। अब इसे हम डीप फ्राई करेंगे। हमेशा बालूशाही फ्राई करने के लिए हमें एकदम नॉर्मल गरम तेल चाहिए। आप चाहें तो इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने गैस पे रिफाइंड तेल रखा है, तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बस एकदम नॉर्मल गर्म। और मीडियम आँच पे मैं एक एक बालूशाही डालते जाऊँगी और आप देख सकते हैं तेल हमारा बिल्कुल भी गर्म नहीं है। इसके लिए हमें नॉर्मल गर्म तेल में ही बालूशाही को फ्राई करना है। बालूशाही जैसे जैसे फ्राई होगी वो अपने आप तैर के ऊपर आ जाएगी, यही इसकी पहचान है। और अभी हमें इसे ना ही पलटे से ना ही झारे से इसे छेड़ना है। जैसे जैसे आप देखेंगे बालूशाही
फूल के अपने आप तेल के ऊपर आ जाएगी। इसे हम इसी तरह से छोड़ देते हैं। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगा और आप देख सकते हैं बालूशाही है, तैर के ऊपर आ रही है तेल के और काफी फूल भी गई है। ये देखिए एकदम इनमें क्रैक्स आ गए हैं। जब हम इसे चाशनी में इन्हें डीप करेंगे तो एक एक बालूशाही में अच्छे से अंदर तक चाशनी चली जाती है, तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इसे हम एक चम्मच से हल्के से पलट देंगे और सभी बालूशाही को आपको नॉर्मल टू मीडियम गैस पर ही इसे तलना है, ना कि इसे तेज गैस पे, नहीं तो ये एकदम अंदर से कच्ची रह जाएगी और बाहर से सिक जाएगी। और पूरी बालूशाही को सिकने में मुझे यहाँ पे 6 से 7 मिनट का समय लग गया और इसे हमें अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं इसी तरह का कलर हमें चाहिए। बस आप इसे सेकते समय तेल को ज्यादा गर्म मत रखिएगा, नॉर्मल तेल पर ही हमें बालूशाही को तल के तैयार करना है। अब मैं आपको झारे से बालूशाही को निकाल के दिखाती हूँ। साइड से थोड़ा एक्स्ट्रा तेल गिरा देंगे और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल क्रैक आए हैं। और इसे हमें डायरेक्ट जो चाशनी है उसमें इसे डीप कर देना है। बालूशाही को हमें चाशनी के अंदर 5 से 6 मिनट ही रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसे 10 से 15 मिनट तक रख सकते हैं। बालूशाही बहुत जल्दी बन के तैयार होती है, तलते जाइए। और इस तरह से हम इसे चाशनी में डीप कर देंगे। थोड़ी सी हम चम्मच से इनके पूरी ऊपर चाशनी डालते जाएंगे। अब मैं आपको इसे एक प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। इसी तरह से आप सभी बालूशाही को बना लीजिएगा और इसे आप दिवाली में एक दिन पहले बना के रख सकते हैं। ये मिठाई खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। बालूशाही को चाशनी में डीप के मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से 2 चम्मच की सहायता से हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपको इसे थोड़ा सा शक्कर पारा जैसे लुक देना है तो आप चाशनी को थोड़ी और गाढ़ी कर लें, जिससे इसके ऊपर से चीनी जैसी परत आ जाएगी। और कोई भी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो उससे आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ते से इसे डेकोरेट करूंगी। देखिए कितना आसान है ना बालूशाही बनाना।